नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोहन भागवत जी के लिए मोदी जी इस समय क्या ना करते वो कम है। अपने के बराबर सिक्योरिटी दे दी गई, भागवत जी पकड़िए, सिक्योरिटी में चलिए, आप मेरे बराबर रखिए। 10 साल बाद मोदी जी को याद आया कि सरकारी नौकर जो कर्मचारी हैं वो संघ की शाखा में जा सकते हैं, वो अनुमति दे दी। अब क्या कर दें मोदी जी? भागवत जी जो है वो चिकुटी काट के भाग जा रहे हैं मोदी जी की। हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, चुकटी काटते थे, नोचना और भाग जाना। हर 15 दिन में एक ऐसा बयान दे देते कि मोदी जी को मिर्ची लग जाए। फिर उन्होंने कह दिया कि लोगों को भगवान नहीं मानना चाहिए, लोग तय करें आप क्या है, आपको भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान तो एक ही महामानव है हमारे, इनको लोग उनके भक्त भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, मोदी जी। तो आखिर कारण क्या है कि मोहन भागवत और मोदी के बीच में इतनी दूरी बढ़ती जा रही है कि भागवत कब्जे में नहीं आ रहे, और चक्कर में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा। जेपी नड्डा को हटा के बनेगा या जेपी नड्डा कंटिन्यू करेंगे, पार्टी तय नहीं कर पा रही। हरियाणा के चुनाव में विनेश फोगाट ने बम फोड़ दिया और कह दिया कि अगर भारत के अधिकारी एक्टिव होते, सहयोग कर रहे होते तो उनको मेडल मिल जाता। उधर प्रभूषण चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैं चला जाऊं तो विनेश फोगाट हार जाएंगे चुनाव। बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि प्रभूषण में हिम्मत हो तो हरियाणा में आके दिखाओ। राजनीति बहुत मजेदार हो रही है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर हंगामा मचा रहे हैं, उनका एक बयान पे बीजेपी को मिर्चे लग जा रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि शरीर का एक हिस्सा कट जाए। मैंने ट्वीट किया, ये मेरा ट्वीट आपको साइड में, आप मेरा ट्वीट देख रहे हैं और मैं ट्वीट के नीचे जो मेरा ट्विटर अकाउंट है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। आप लोगों ने जिन्होंने मुझे ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ट्विटर ने मुझे शेडो बैन कर रखा है, तो आप सर्च करिए तो मेरा ये जो ट्विटर की आईडी है आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगी। ट्विटर चाहता नहीं है, लिख के आएगा सेंसिटिव कंटेंट है मेरा, सरकार से सवाल पूछना मतलब सेंसिटिव कंटेंट हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ट्विटर वाली आईडी को सर्च कर लीजिए, और ट्विटर पे आप हो अब तो एक्स हो गया है वो, और मुझे फॉलो कीजिएगा। तो वो उस पर बवाल मचा हुआ है इस पर राहुल गांधी के बयान को लेकर। उधर तो मैंने ट्विटर पर लिखा था कि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसका इलाज किया जाता है, ये नहीं होता कि आप देखें नहीं शरीर गड़ता चला जाए। तो देश एक हमारा शरीर है, राज है उसे, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर सालों 1-1.5 साल से जल रहा है। वहाँ सैकड़ों महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उन पर अत्याचार हुए, बलात्कार हुआ, उनकी हत्याएं हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री, बीजेपी और गोदी मीडिया के मुंह से मणिपुर का मान ही निकल। कई बहुत सारे मुद्दे, बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हमने सोचा बातचीत की जाए, और नागपुर के उसके इस्तरार पत्रकार से बात की जाए। बिजनेस मैगजीन में, इंटरनेशनल मैगजीन में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पिछले दिनों वो कई दिनों से मैं शो नहीं कर पाया क्योंकि वो IIM में व्याख्यान देने गए हुए थे। IIM ने बुलाया था, उनको सम्मानित किया था और उनका लेक्चर कराया था। बहुत योग्य है, राजीव रंजन जी चलते हैं उनके पास और राजीव रंजन से समझने की कोशिश करते हैं कि इन सवालों के मतलब क्या हैं। चूंकि राजीव नागपुर में रहते हैं तो उनसे बेहतर इनका मतलब कोई समझा नहीं पाएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। राजनीति की बहुत ढेर सारी खबरें इकट्ठी हो रही हैं और आप इस खबरों के बीच में IIM मैं अपना व्याख्यान देने चले गए, तो बहुत दिनों से हम लोगों ने चर्चा नहीं करी, तो कई सारे मेल आए कि राजीव कहाँ हैं आजकल। मजेदार बात शुरू करते हैं हरियाणा से। वक्त की तासीर देखिए क्या होता है। सब वक्त कोई जमाना ऐसा था जब ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी का बस पोस्टर लग जाए, वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, वो जिला पंचायत का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, सिर्फ चेहरा लग जाए पोस्टर पर, चुनाव जीत लिया जाए। और अब वो वक्त आ गया है कि लोग हाथ जोड़ के दुआ कर रहे हैं कि मोदी जी दूर रहें। मैं मुंबई में आया हूँ, मेरे एक मित्र बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, हैं सीनियर जर्नलिस्ट, अभी भी मेरे संग चाय पी के गए हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के बीजेपी तो कह नहीं सकती, लेकिन मन मन दुआ कर रही है कि जितनी मोदी और अमित शाह जी की यहाँ रैलियाँ होंगी उतना बीजेपी का ग्राफ गिर जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा है। महाराष्ट्र की राजनीति तो चलो समझ में आती है कि भाई गुस्सा उद्योग उठा के गुजरात में दे दिए गए, लेकिन दिल्ली से सटे हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। हरियाणा से कई जगह से मुझे मित्रों ने फोन किया, क्षितिज हमारा रिपोर्टर वहाँ है हरियाणा में, कि हरियाणा में कई जगह पे पोस्टर ऐसे देखे गए हैं जिसमें मोदी जी गायब है। और बात भी सही है, चुनाव पीक पर चल रहा है, मोदी जी विदेश में सिंगापुर में ढोल बजा रहे हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता था राजीव की भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में चुनाव हो रहा हो और मोदी जी फोटो से गायब हो जाए? ये चल क्या रहा है आपके हिसाब से, क्यों गायब किया गया मोदी जी को? संजय जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वाकई में मैं आईएम में गया था, मैंने सोच लिया है कि मैं नौजवान पीढ़ी को जो भी मेरे पास में ज्ञान है वो उनको दूंगा। तो जहाँ भी स्कूल में कॉलेजेस में मेरे को बुलाया जा रहा है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और व्याख्यान दे रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों, कुछ दिनों के लिए मैं अवेलेबल नहीं था। देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, और इस तरीके के सवाल और इस तरीके के जो आपने जो पॉइंट आउट किया है, ये आपको कहीं पे भी प्रोपेगेंडा मीडिया, जिसको लोग मेनस्ट्रीम मीडिया भी बोलते हैं, उस पर कहीं नजर नहीं आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि फोटो और पोस्टर से भी मोदी जी के चेहरे कई कई जगहों से गायब हो गए। देखिए, एक साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक टर्म होता है हैलो इफेक्ट, ठीक है, HALO, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो पहला इंप्रेशन इंसान का पड़ता है, उससे पूर्वग्रह लेके आदमी उसके व्यक्तित्व के बारे में जो है वो आकलन करता है, ठीक है। तो यदि, जैसे एग्जांपल देता हूं, यदि कोई व्यक्ति सुंदर है या युवती सुंदर है, तो हम सोचने लगते कि ये अच्छी भी होगी, मूलतः स्वभाव से भी अच्छी होगी। तो अब इस हेलो इफेक्ट का क्या लेना देना हरियाणा के इलेक्शन से और मोदी जी से? देखिए, मोदी जी का 2014 के पहले जो एक इमेज बनाया गया, इंप्रेशन बनाया गया, वो ऐसा बनाया गया कि ये रक्षक हैं, खासतौर पे हिंदुओं के रक्षक हैं, ठीक है। किंतु ये जो महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, जहां पर औरतों को घसीटा गया, जहां पे हिंदू औरतों को घसीटा गया, जहां पे उनकी बातों को, उनकी अस्मिता का बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज करते हुए उनका अपमान किया गया, तो ये जो एक इमेज बना था जो हेलो इफेक्ट के द्वारा बनता है, जो सभी हम सभी इंसानों में रहता है, हम सब पूर्वग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है। तो ये जो एक इंप्रेशन बना कि नरेंद्र मोदी रक्षक हैं, उस पे बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ, और ऐसा नजर आया कि अरे ये रक्षक नहीं, ये जो हिंदू औरतें जो, और वो भी नामचीन, जिन्होंने देश के लिए पदक लेके आए हैं, वैसी औरतें यदि इल्जाम लगा रही है कि कोई भक्षक हमारे बीच में मौजूद है जो हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो ये रक्षक, जिसको रक्षक बना दिया गया था, उस रक्षक ने उस भक्षक को किसी भी तरीके से नियंत्रित करने का या किसी भी तरीके से उसके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन लेने में हमने देखा कि उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। इसके कारण उनकी इमेज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित हुई। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदरूनी खुद के सर्वेक्षण है और इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है कि नरेंद्र मोदी को जितना दूर इस इलेक्शन से रखा जाएगा, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। यदि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हारती है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, और वो है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कारण यह है कि हरियाणा में जो मैंने आपको बताया कि ये महिला पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था, वो वन साइडेड जो है विक्ट्री का रास्ता जो है प्रशस्त करता है अपोजिशन, इंडिया अलायंस या कांग्रेस के लिए, ठीक है। वहीं दूसरा चीज, जो किसान आंदोलन हुआ, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों के कारण हुआ था, वो कोई खट्टर साहब या नायाब सैनिक की तो नीतियों के कारण नहीं हुआ था। तो जो हरियाणा में लोग चिड़े हुए, जो गुस्से में है, जो क्रोध में है, उसके पीछे जो मूल कारण है वो है नरेंद्र मोदी की नीतियां। और नरेंद्र मोदी ने ऐसी नीतियां क्यों अमल में लेके आई, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा? क्योंकि जब 303 सीट मिले तो उन्हें ऐसा दंभ हुआ, ऐसा घमंड हुआ कि मैं जो भी सोच रहा हूं वही ठीक है, वही सही है। जनता की इच्छा की अवहेलना की गई, और जनता की इच्छा की अवहेलना का अब हमें जाके जो है उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अभी तक नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, अब वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तलाश में लगा हुआ है नरेंद्र मोदी को किस तरीके से नेशनल फ्रंट पे रिप्लेस किया जाए। ये सच्चाई है, ये 3 महीने से मैं बोल रहा हूं, जून 4 के बाद से सारे समीकरण बदले हैं संजय जी, और इस बात को मैंने आपके हर कार्यक्रम में बोला है 3 महीने से, और अब दूसरे कमेंटेटर्स भी इस चीज की तरफ बोल रहे हैं।
परंतु तीन महीने से आप देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, और नागपुर नागपुर और दिल्ली के बीच में खाइयां बढ़ गई हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी आऊंगा राजीव, मैं उस पर अभी आऊंगा संघ वाले मुद्दे पे। विनेश फोगाट ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है, और विनेश फोगाट ने कहा है कि अधिकारियों ने, भारत के अधिकारियों ने लापरवाही बरती, अगर अधिकारी प्रभावी ढंग से भूमिका अदा कर लेते तो वो मेडल मिल जाता, ओलंपिक का मेडल मिल जाता। और जो विनेश फोगाट का 100-150 ग्राम वजन की वजह से उसको ओलंपिक में भाग नहीं ले पाई, वो पूरा देश उसके साथ खड़ा था और हम लोग दुआ कर रहे थे कि विनेश को मेडल मिल जाए। जो भक्तगढ़ पाकिस्तान को पानी पी पी के कोसते हैं, उनके दिल पे मिर्ची लगी होंगी कि पाकिस्तान तक गोल्ड मेडल ले गया, और हमारे यहाँ हरियाणा में खेल को जितना दिया गया उससे कहीं ज़्यादा गुजरात को दिया गया, लेकिन खिलाड़ी सारे सारे मेडल लेकर है हरियाणा के। और उन खिलाड़ियों को इतना अहंकार था कि जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन था उस दिन सड़क पर घसीटा गया, तब कल्पना नहीं करी होगी मोदी जी ने कि ये इतना दिन एक दिन इतना बदल जाएगा, ये देश ऐसा बदल जाएगा कि ये स्थितियां आ जाएंगी। लेकिन ये स्थितियां आई, देश के सामने आई। विनेश फोगाट ने जो आज कहा है कि मेडल मिल जाता अगर भारत के कुछ अधिकारी थोड़ा ध्यान दे लेते, लापरवाही नहीं करते, ये बयान क्या हरियाणा के चुनाव को बहुत प्रभावित कर सकता है? बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। देखिए, इस पे तो एक कार्यक्रम भी मैंने और आपने किया था जब ये ओलंपिक चल रहा था, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये इन्होंने नींव, इन्होंने अंकुर, इन्होंने बीज बोया है। ये जो जिस तरीके का आज आप देख रहे हैं कि क्रोध एक लहर दौड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और जो अफसान पे जा रही है, इसकी जो नींव रखी है वो इन तीनों ने नींव रखी है, और इतिहास हमेशा इस बात को याद रखेगा। विनेश फोगाट ने हमारी संस्थाओं में, खासतौर पे खेल की जो संस्थाएं हैं, उसमें किस तरीके से कुछ लोगों ने अनियमितताएं करके उसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, और किस तरीके से वो अपने ही खिलाड़ियों के साथ ये संस्थान नहीं खड़े हैं, इस चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने बताया। वो सबसे बड़ी भुक्तभोगी है, एक स्वर्ण पदक या रजत पदक उनको तो कोई भी पदक नहीं मिला, सालों की मेहनत, उनकी सालों की मेहनत खटाई में चली गई। संजय जी, मैं और आप उनका ये दुख और दर्द समझ नहीं सकते, हम उनके साथ जरूर खड़े हैं, परंतु उनके दर्द को समझना जो है ये बहुत मुश्किल काम है। जिस खिलाड़ी ने दशकों मेहनत की हो और जब मेडल, एकदम मेडल के करीब पहुंच गया हो, तब वो देख रहा है कि अपने देश से जैसा वो सोच रहा था, समझ रहा था कि उसको साथ मिलेगा, वैसा उसको साथ नहीं मिला। विनेश फोगाट जो है एक योद्धा है, और मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी अगर डबल फिगर्स में भी नहीं पहुंची, ठीक है, दहाई के भी आंकड़े को पार नहीं कर पाई, तो इसमें इनके आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन जो है एक बहुत अहम भूमिका जो है उसने निभाई है, इस बात को आप समझ लीजिए। यही कारण है कि आप देखेंगे नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से गायब है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा मीडिया ने एक ऐसा इमेज क्रिएट किया है नरेंद्र मोदी का कि ये इनविंसिबल है, ये जहां भी हाथ रखते हैं वहां तो जीतते ही हैं, हालांकि वो बहुत सारे चुनाव हारे हैं, परंतु ये प्रोपेगेंडा मीडिया का एक बनाया हुआ ऐसा इमेज है, और वो साइकोलॉजिकली वॉरफेयर आपके साथ कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जनार्दन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वो विजय का पताका लहराते हैं, और उनको ये मालूम है कि इस हरियाणा के इलेक्शन में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतने नहीं वाली है, तो अभी से बहाने बनाए जा रहे हैं। और मैं आपके दर्शकों को एक, जो मेरे पास में इंटेलिजेंस की खबर है, वो एक साझा कर देना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना अनुमान जो है और संघ की भी जो अपना सर्वेक्षण है, उससे इनको ऐसा लग रहा है कि 12 से 16 सीटों में ये कंफर्टेबल है, यानी 12 से 16 सीटें ये जीत सकते हैं। 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर छोटी छोटी पार्टियां जो है वो वोट काटने का काम करेंगी, और ये उनको हर तरीके से फंडिंग करके, मदद करके, मीडिया में उनको बढ़ा चढ़ा के, जहां पे भी ये देख रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट वन ऑन वन फाइट नहीं कर सकते कांग्रेस के साथ में, तो वहां पर ये छोटी पार्टियों को जो है, वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां और बहुत सारे समझौते भी हो रहे हैं, तो जैसे बहन मायावती जी का एक पार्टी के साथ हुआ, फिर
फिर आपके चंद्रशेखर रावण जी का एक पार्टी के साथ हुआ, तो ये सोच रहे कि किसी भी तरीके से ये थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट ये किसी भी तरीके से वोट काटने का काम करे। तो 21 सीटें ऐसी हैं जो इनके इंटरनल सर्वेक्षण में इनको समझ में आ रहा है कि जहां पे वोट कटुआ पार्टी की मदद से जो है ये इलेक्शन को शायद थोड़ा टिल्ट कर सके, और 12 से 16 सीटें ऐसी हैं जो इनको लग रहा है कि कंफर्टेबली जीत सकते हैं। तो कुल मिला के आंकड़ा ये 90 में 45 चाहिए इन लोग को। तो अगर थोड़े भी आंकड़े के आसपास में पहुंच गए तो ये अभी भी ख्वाब देख रहे हैं कि ये बना पाएंगे। अब एक चीज समझिए, इलेक्शन जो है इसमें मैथमेटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इन सारे लोगों का संजय जी बहुत ज्यादा जो है रोल बढ़ गया। पहले जैसे इलेक्शन नहीं रह गए, हर तरीके की प्रोबेबिलिटी, हर तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हर तरीके के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, मीडिया में हर तरीके से जो है आपके आपका इमेज, कल्ट इमेज क्रिएट करना, ये सारी चीजों पे बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। और जहां पे भी आपको मालूम है कि वन ऑन वन फाइट आप नहीं जीत सकते, तो ऐसी थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, इस टाइप के अलग अलग फ्रंट खड़े किए जा रहे हैं और उसके द्वारा जो है वो चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर हम इसको बाइनरी में देखते हैं इस इलेक्शन को कि ये हरियाणा के इलेक्शन कांग्रेस बनाम बीजेपी है, तो ये गलती है। इस पूरे इक्वेशन में हरियाणा के इलेक्शन में छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने वाली है, और ये खुद संघ और भारतीय जनता पार्टी के अपने इंटरनल जो असेसमेंट जो रहता है, जो उनके भीतरी सर्वेक्षण होते हैं, उसमें ये चीज सामने उभर के आई है। तो साइकोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, सर्वेक्षण करने वाले लोग, इन सभी का बहुत अहम रोल है आने वाले दिनों में इलेक्शंस में। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका रोल होगा। और आपने जब ये बात कही कि 3 महीनों में मोदी जी का ग्राफ नीचे आया, तो आप नागपुर से में बैठे हुए हैं इस समय और नागपुर की राजनीति को बहुत जानते हैं, और बहुत आपने खुलासे भी पहली बार आरएसएस की राजनीति को लेके 4PM के मंच पर किए हैं। ये आपके मोहन भागवत जी को क्या हो जा रहा है, प्रधानमंत्री क्या करें बताइए? सिक्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री को है उतनी मोहन भागवत को दे दी। 10 साल बाद याद आया कि संघ के जो लोग हैं वो सरकारी सेवा में जो है वो जा नहीं सकते, संघ की शाखाओं में वो रोक हटा दी। मतलब जितना मोदी जी झुक सकते हैं उतना मोहन भागवत के सामने झुक गए हैं, लेकिन मोहन भागवत उनसे चिकुटी काटना, कहते हैं ना हम लोग कि चिकुटी काट के भाग गए, मोहन भागवत उनकी चिकुटी काटने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी कह दिया कि भाई इंसान को भगवान नहीं समझना चाहिए, लोग भगवान माने, खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। अब ये उन्होंने मेरे लिए तो कहा नहीं होगा, उन्होंने राजीव रंजन के लिए तो कहा नहीं, सब जानते हैं कि मोदी जी के लिए कहा गया है, क्योंकि मोदी जी को लगने लगा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो दूसरी दुनिया से आए हैं। मेरे को तो एक बार एक MP बता रहा था, बड़ा मजेदार किस्सा राजीव भाई, कि बुलाया वो उसके MP ने मुझे बताया कि बुलाया इन्होंने साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो बेचारा MP बोला सब लोग कहते हैं कि आपने जिंदगी बदल दी। बोले और कहते हैं कि अगर आप नहीं होते देश का पता नहीं क्या होता, दुनिया में नाम हो गया। बोले और कहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चों का भविष्य आपने सुरक्षित कर दिया। बोले और कई सारे और होगा कि समझ में नहीं है और क्या। बोले और सब आपकी कृपा। बोले और कुछ नहीं कहते। फिर वो MP का कहना था, मेरे दोस्त ने बताया कि MP ने फरमाया कि सुनते ही साहेब कहते हैं कि लोग मुझे भगवान समझते हैं, तुम्हें भी ये बात प्रचारित करना चाहिए। तो मोहन भागवत भी तो पता पहुंची गई होगी, साहब बायोलॉजिकल नहीं है, दूसरी दुनिया से आए हैं। तो मोहन भागवत ये जो हमले कर रहे हैं कि आप ही को भगवान नहीं समझना चाहिए, ये तो मोदी जी के पीछे डंडा लेके पड़ गए हैं। 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला तो कि ये संघ के और मोदी जी के बीच में इतनी लंबी लाइन खींच के हो गई और इसका अंत क्या होगा? दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि हरियाणा और कश्मीर में अगर बीजेपी हारी, मैं अगर को हटा देता हूं, क्योंकि आज की तारीख में जो रिपोर्ट है इसमें दोनों राज्यों में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, सभी का मानना है कि हार रही है दोनों, तो फिर मोहन भागवत का अगला स्टेप क्या होगा? मोदी जी से वो इलू बढ़ाना जारी रखेंगे, कम करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये इनके बीच में जो दरार आई है उसी का नतीजा है कि भाजपा का अध्यक्ष पद जो है, आपने देखा कि इतना लंबा, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अधर की स्थिति में है। यानी वो पद जिस पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो पता ही नहीं है कि भाई कौन इस पार्टी को किस दिशा में ले जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन से दूर जा रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष पद पे कोई है नहीं, और अमित शाह ने टैसेटली आके जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया है। तो क्या हम ये ऐसा माने कि क्या अमित शाह ही जो है, भले ही RSS के कितने भी इस पे कितने भी तरीके से उन्होंने इस चीज का विरोध किया हो, क्या अमित शाह ही नेक्स्ट जो है
वो भाजपा की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, ये खुद भाजपा के अंदर के लोग जो है बड़े आश्चर्यचकित है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं ऐलान किया गया उसका। आज जेपी नड्डा जी के पास में तीन मंत्रालय, ठीक है, और एक कार्यकारी अध्यक्ष पद है। ऐसा तो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ ही नहीं, किसी व्यक्ति के पास में इतने सारे जो है एम, वो कहां का अपना टाइम डिवोट करेंगे। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरालिसिस का, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरालिसिस का। आप कोई किसी भी डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे। ये क्यों नहीं ले पा रहे? ये इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आरएसएस और मोदी के बीच में जो है खाइयां बहुत बढ़ गई हैं। और पिछले 3 महीने से हम 4 PM के मंच पे इसी बात को जो है हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 3 महीने से कंटिन्यूसली यही बात बोल रहा हूं। उसके कुछ कारण है, देखिए संजय जी आप समझिए। ये माना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सारे जो उनकी जो सोच थी, जैसे राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 हटना चाहिए, ये सारी चीजों को जो है इंप्लीमेंट किया नरेंद्र मोदी ने। परंतु बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता था कि उनसे चर्चा हो, और इन्होंने चर्चा तक जो है वो चर्चा तक करना ठीक नहीं समझा। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, वो है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्थापित करना। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री जो बनाए जाते हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका 2019 के बाद से लगातार गौण हो गई थी, लगातार छोटी हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत नाराज है, खासतौर पर जो ऊपर का जो थिंक टैंक है, जो दिग्गज लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नीतियां बनाते हैं, वो इस चीज से बहुत आहत है कि कांग्रेस के सारे करप्ट लोगों को, अपोजिशन पार्टी के जो भी करप्ट नेता हैं, उनको आप क्यों अपनी पार्टी में जगह दे रहे हो? और ना केवल जगह दे रहे हो बल्कि आप उनको जो है एक मतलब बहुत ही मोहक पद भी दे रहे हो, किसी को राज्यसभा में भेज दे रहे हो, किसी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हो। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बार बार इंटरनल मीटिंग्स में, डिस्कशन में इस बात को उठाया कि हम चाल और चरित्र की बात करने वाली पार्टी है, चाल चरित्र और चेहरा, और आप इस तरीके के चेहरे यदि देंगे तो जो पार्टी का आधारभूत जो स्तंभ है, जिसके ऊपर में पार्टी जो है खड़ी हुई है, पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा देने वाली पार्टी है, वो पार्टी तो रहेगी नहीं। नरेंद्र मोदी को बार बार समझाने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने इस चीज की पूरी तरीके से अवहेलना की। और मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से हमने चीजें देखी, ब्रजभूषण शरण जी के इसमें हो या सेबी की जो चेयरमैन उनके उसमें हो, हर जगह पे जिस तरीके से डिसीजन नहीं लिए जा रहे, जहां दिख रहा है कि भाई कोई आदमी दोषी है, आप डिसीजन नहीं ले रहे उसके अगेंस्ट में, तो ये आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पे खड़ा करने वाला है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बंद कमरों में, बंद दरवाजों के पीछे जो अपनी ये प्रोटेस्ट दर्द जो कर रहे हैं, वो धीरे धीरे खुल के बाहर आएगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति जो है, और जो लोग गलत ऐसे दिख रहे, जिनका इमेज ऐसा जा रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लग रहा है कि ये लोग गलत है, उसके खिलाफ किसी भी तरीके के जो नरेंद्र मोदी कार्रवाई नहीं कर रहे, ये आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में होगी और दूसरी पार्टी पक्ष की भूमिका में होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लीडर्स के लिए, फ्यूचर के लीडर्स के लिए, जो आज यंग जनरेशन है, उसके लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि आगे आने में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कम वॉट में पेपर लीक हो, मैं अपने मंत्री को नहीं हटाऊंगा, रेल दुर्घटना हो, मैं अपने मंत्री को नहीं हटाऊंगा, मेरे नेता के ऊपर में किसी भी तरीके का इल्जाम लगे, रेप जैसा हीनियस हो, मोलेस्टेशन जैसा हीनियस हो, मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं लूंगा। तो ये जो है, ये आप एक प्रेसिडेंट सेट करो, ये प्रेसिडेंट यदि आपने सेट कर दिया, तो कल आप किस मुंह से जब आप विपक्ष की भूमिका में जाओगे, तब आप कांग्रेस या दूसरी पार्टी से इस चीज की अपेक्षा करोगे, मांग करोगे कि वो अपने दोषी या जो ऐसे दिख रहे हैं कि दोषी हैं उन पे कार्रवाई करें। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो प्रेसिडेंट सेट किया है, ये फ्यूचर के उनके लीडर्स के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। और यही संघ का सबसे बड़ा, जो उनको बार बार समझाया जा रहा है, ठीक है,
मतलब वो डायरेक्टली नहीं बात कर रहे बट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप जो है इस चीज को सुधारें। उस पर नरेंद्र मोदी ने अपने दंभ में, अपने अहंकार में, 303 सीट की जो उनकी जो ये थी उसमें इस चीज को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। और आप देखिए वो नविका कुमार, किसी एंकर को उन्होंने अपना इलेक्शन के टाइम में इंटरव्यू दिया था कि 4 जून के बाद ये 400 सीट और नरेंद्र मोदी यही सिर्फ रह जाएंगे और मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग जो है उसको ये जनता जनार्दन देख लेगी। ये एक तरीके का वेल थ्रेट था, एक साइलेंट थ्रेट था। जब वो चीज नहीं आई तो लोगों को समझ में आ गया कि ये तो हॉलो थ्रेट है, खोखला है, ये खोखले थ्रेट है। तो अब सुधर जाए, संघ यही चाहता है कि सुधर जाए। देखिए नरेंद्र मोदी एट द एंड ऑफ द डे संघ के बच्चे, संघ से ही बड़े हुए। जब बच्चा जो है वो ऐसे कार्य करता है जो माँ बाप को कष्ट देता है तो बच्चे को समझाने का प्रयास किया जाता है। प्रयास चल रहा है, उम्मीद है सुधर जाएंगे, नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा। आप जो कह रहे थे कि जो सीटें आने से झटका लगा, राहुल गांधी अमेरिका में गए हैं, बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है अमेरिका में उनका। और राहुल गांधी मोदी जी के दौरे से पहले जाके इतनी खुराफात कर देते हैं कि मोदी जी को परेशानी हो जाती है। अब वहाँ पे वो नेशनल प्रेस क्लब को जाके संबोधित करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। अब मोदी जी के बस का बात तो है नहीं, 10 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें फजीहत हो गई अमेरिका में, क्योंकि इंडिया का डेमोक्रेसी, इंडिया में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर सवाल पूछ लिए गए तो पसीने आ गए मोदी जी को। तो फिलहाल वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने वहां जाके कह दिया कि भारत में जो रिजल्ट आया पार्लियामेंट, उसके बाद लोगों का बीजेपी के प्रति और प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने डरना बंद कर दिया है, अब लोग रिएक्ट करने लगा, बीजेपी तिलमिला गई है अमेरिका में। इस बयान से राहुल गांधी का जिस तरह से अमेरिका में स्वागत होता है, या विदेशों में जो स्वागत हो रहा है राहुल गांधी का, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो पहली बार गए हैं, क्या ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि कुछ दिनों बाद मोदी जी भी अमेरिका जाने वाले हैं? बिल्कुल संजय जी, देखिए इस बात में किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं है कि राहुल गांधी जो है वो समकक्ष आ गए नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जिसके पास में सिस्टम के सारी चाबियां हैं, जिसके पास में प्रोपेगेंडा मीडिया है, जिसके पास में धन बल है, जिसके साथ में पूरा इंडिया का कॉरपोरेट है, वही राहुल गांधी जो है उसके पास में जनता का समर्थन और कुछ नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई है, पार्टी के पास में पैसे नहीं है, उनके पास में कॉरपोरेट की कोई जो है बैकिंग जो है वो अब बच नहीं गई है। और आप देखिए प्रोपेगेंडा मीडिया का तो ये हाल हो गया कि खुद इंडिया अलायंस ने और कांग्रेस ने इन 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 मंचों पे जाना छोड़ दिया है। मेरे और आपके जैसे लोग जो है हम लोग बात करते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके के पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं है। यदि राहुल गांधी कुछ गलत करेंगे तो हम उनको भी टोकेंगे और इंडिया अलायंस कुछ गलत करेगा तो उसको भी टोकेंगे। परंतु आज की यथास्थिति ऐसी है कि राहुल गांधी ने अपने अथक परिश्रम से, अपने अथक प्रयास से अपना इमेज, अपना कद जो है वो बहुत ऊंचा कर लिया है। और ये कहीं ना कहीं टीस का कारण है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो इनका एक पप्पू इमेज क्रिएट करने में लगे थे, वो पूरी तरीके से जो है उनका पर्दाफाश हो गया है। और जनता को ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी के पप्पू इमेज को क्रिएट करने के ऊपर जो इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए वो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे थे। और तो पप्पू बना दिया इन्होंने आपको और मेरे को, हम लोगों को बना दिया है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो है राहुल गांधी जिस मंच पे गए हैं, ठीक है, और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सडनली ट्रंप के मुकाबले जो है कमाला हैरिस का जो कद जो है वो बढ़ रहा है, और जिस तरीके से दिख रहा है कि डेमोक्रेट जो है फिर से स्ट्रांग हो रहे हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में। और मेरा ये मानना है कि यदि गलती से ट्रंप जीत गए अमेरिका में तो आप समझिए नरेंद्र मोदी फिर से अपने रौद्र अवतार में आ जाएंगे। आज समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पे समर्थन देने वाले सारे बड़े नेता ऑलमोस्ट गायब हो गए। ऋषि सुनक हार गए, ऑस्ट्रेलिया वाले जो थे जिन्होंने इनको बॉस की पदवी दी थी वो हार गए, और अब डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं अगर वो भी हार जाएंगे तो अकेले जो है नरेंद्र मोदी जो है आपको दिखेंगे उस मंच पे, वो एकदम कंजर्वेटिव थॉट वाले। एक इर्दोगन है पर चूंकि वो मुस्लिम है तो उनका और इनके इनके बीच में कोई बहुत ज्यादा समानता ही नहीं है। और इसराइल के हमने देखा है क्या हालत है उनकी है। तो यही 4-5 जो कट्टर लीडर थे जिसके कारण जो है इनकी इमेज जो क्रिएट हो रही थी, वो इमेज को एक धक्का लगेगा यदि ट्रंप हारे तो।
और आपका ये कहना सही है कि राहुल गांधी ने ना केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी जो है नाक में इनके दम कर दिया है। आने वाला दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा संजय जी। आखिरी सवाल भारत का एक बहुत जलता हुआ मुद्दा, आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ट्वीट भी किया है कि शरीर का कोई हिस्सा अगर आपका इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करते हैं। मणिपुर जल रहा है, वहाँ सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, उनको नग्न घुमाया गया, जुलूस निकाला गया, हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से मणिपुर का मान ही निकलता। गोदी मीडिया बंगाल में डॉक्टर रेप के पीछे पड़ गई है, महीना भर होने को आ गया, दिन भर वो डॉक्टर बंगाल बंगाल डॉक्टर बंगाल डॉक्टर, क्योंकि ममता बनर्जी उस गोदी मीडिया के मुंह से मणिपुर का मान ही निकलता। कल हद हो गई, गवर्नर के घर पर हमला हो गया है, गवर्नर के घर पर पथराव हुआ है। पूर्व गवर्नर है अनसैया, उन्होंने उनका बयान भी कुछ लोगों ने कोट किया है कि वो कह रही हैं कि लोगों को दर्द है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए मणिपुर में। क्या कभी ऐसा कोई घटना कर सकता था कि देश का एक राज्य इतना जला हुआ, प्राइम मिनिस्टर झांकने तक नहीं जाएगा वहां पे मणिपुर में? ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि आपके पास में यूक्रेन जाने का समय है, रशिया जाने का समय है, ब्रुनेई जाने का समय है, तमाम तरीके के देश आप जो है सिंगापुर जा रहे हैं, आप अलग अलग राष्ट्रों में जो जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं, और आपका अपने देश का एक राज्य जल रहा है 1.5 साल से और आपके पास में फुर्सत नहीं है, आपके पास में समय नहीं है वहां जाने के लिए। इससे ज्यादा जो है, जो भी नरेंद्र मोदी के थोड़े बहुत जो प्रशंसक रह गए थे पढ़े लिखे लोगों में, अब वो भी इस चीज पर सवाल उठाने लगे और वो पूछ रहे हैं कि ये बड़ा ही मतलब शर्मसार कर देने वाली बात है कि एक राज्य के अंदर में महिलाओं के साथ में और बच्चों के साथ में इस तरीके की जो है वो अत्याचार किए जा रहे हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है उसके पास में फुर्सत नहीं है वहां जाने के लिए। देखिए, ये सिस्टम के अंदर से डर, जो गवर्नर के घर पे हमला हुआ, जो पथराव हुआ, ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि लोगों के मन के अंदर से जो शासन का, प्रशासन का एक जो भय रहता है, जिसके कारण वो डिसिप्लिन में बंधे रहते हैं, जिसके कारण वो सीमित रहते हैं, वो धीरे धीरे हट रहा है, जा रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए, देखिए ये एक्सपोज हो रहे, धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे। मैंने जो आपको इस इंटरव्यू के शुरुआत में जो हेलो इफेक्ट के बारे में कहा था, ये वही हो रहा है कि जो इनकी एक इमेज बनाई गई थी कि ये इनविंसिबल है, ये रक्षक हैं, वो धीरे धीरे वो सारी चीजें दूर हो रही है, और जैसे जैसे वो चीजें दूर होंगी, उन पर से पर्दा हटेगा, वैसे वैसे आप समझते जाइए कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, इन सबकी लोकप्रियता के ग्राफ में बहुत तेजी से गिरावट नजर आएगी। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी सारी बातचीत की, समय दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन जी, और आपने पूरा इंटरव्यू सुना, मुझको यकीन है ये बातों से आप सहमत होंगे। असहमत हैं तो भी लिखिए, और सहमत हैं तो भी कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के मन में चल क्या रहा है, आपके मन में देश के प्रति क्या भावना आ रही है। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।